Hey guys, welcome to my YouTube channel Proud to be Indian. In this video, I will review one of the important colleges under WBJ, that is Bengal Institute of Technology. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. इसमें देयर आई विल गिव यू ऑल डिटेल अबाउट द कैंपस प्लेसमेंट, हाउ मच इज द प्लेसमेंट, व्हाट आर द कोर्स, व्हाट दे ऑफर, व्हाट इज द फी एंड ऑल दिस टाइप ऑफ डिटेल आई विल गिव इन दिस सिंगल वीडियो के. सो आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना है, ओके. बीच में आप छोड़िएगा तो फिर आपको कोई भी डेटा मिस होगा, ओके. देन आप कहिएगा कि ये समझ में नहीं आया, ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, इफ़ यू न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच इम्पॉर्टेंट वीडियोज, ओके. सो चलिए अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं. तो यू कैन सी हेयर दैट आई केम टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके. तो लेट अस सी अबाउट द कॉलेज. सो व्हाट इज द मिशन एंड विजन ऑफ दिस कॉलेज. तो सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि दिस कॉलेज इज बेसिकली कॉलेज अंडर द टेक्नो ग्रुप है, टेक्नो ग्रुप के अंदर ही आता है, ओके. सो दिस कॉलेज है विजन टू बिकम अ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन एंड प्रोड्यूस स्किल्ड टेक्निकल मैन पावर, ओके. सो बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट द मैन पावर, ओके. एंड दिस कॉलेज हैव अ गुड स्कोप इन दिस टू, ओके. सो दीज आर ऑल अबाउट द विजन ऑफ दिस कॉलेज, ओके. सो इफ वी टॉक अबाउट द डिपार्टमेंट, सो व्हाट आर द डिपार्टमेंट्स हियर अवेलेबल. तो हेयर बीटी बायोटेक्नोलॉजी, सीएससी एंड आईटी एंड ईसी, दीज आर द ऑल डिपार्टमेंट्स दैट अवेलेबल हेयर, ओके. सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज द व्हाट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉलेज, ओके. सो दिस कॉलेज हैव अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, मीन्स गुड और यू कैन से दैट एवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके. एंड ऑल बेसिक फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बुक्स, अदर स्मॉल स्मॉल फैसिलिटीज अवेलेबल, ओके. बट वन थिंग डिमेरिट हेयर दैट दिस कॉलेज हैव नो एनी हॉस्टल. और मैं बात करूँ तो बंगाल के लगभग हर एक कॉलेज में, मीन्स लगभग 80-70% कॉलेज में हॉस्टल है ही नहीं. मीन्स मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर कोलकाता का, ओके. टेक्नोमेन में सॉल्ट लेक में भी आपको बताया इतना बढ़िया कॉलेज है, बट इट स्टिल हैव नॉट कॉलेज, ओके. सो फॉर हॉस्टल यू हैव टू लुक फॉर अदर पीजी और मेस टाइप, ओके. एंड एक साल एक महीने का आपको खर्चा आ सकता है 5,000-6,000 डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपेंसेस, ओके. सो टॉकिंग अबाउट द लाइब्रेरी, व्हाट इज द लाइब्रेरी स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉलेज. सो दिस कॉलेज हैव अ गुड लाइब्रेरी, ओके. एंड सिंस इट्स इंसेप्शन 2000 बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मीन्स इट इज बेसिकली एस्टैब्लिश इन 2000 एंड इट हैव वेरियस नंबर ऑफ बुक, ओके. सो यू कैन टेक द बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, ओके. यू विल बेसिकली प्रोवाइडेड द लाइब्रेरी कार्ड एंड यू कैन गेट द नॉलेज, ओके. सो यू कैन ऑल्सो हैव अ लुक हेयर हाउ मच मीन्स ब्यूटिफुल लाइब्रेरी, ओके. सो दीज आर ऑल अबाउट द लाइब्रेरीज and the campus, okay. So moving toward our the next section, that is what is the faculties member or what is the qualification of the faculties member of this college. So this college have a good faculty member. Most of the faculty member are PhD degree holder and they have experience at least 10 year. लगभग 10 साल का experience है, तो आपको faculties में कोई कमी नहीं होगा, okay. So faculties have a good type, okay. Now moving to our the next section, that is the इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट अबाउट द प्लेसमेंट. क्योंकि हर एक वीडियो में मैं कमेंट लगभग देखता हूँ, हर एक बार 10-15 कमेंट हर एक वीडियो में, मतलब यही प्लेसमेंट से फोकस रहता है, ओके. सो मैं इस वीडियो में थोड़ा प्लेसमेंट पे ज़्यादा आपको बताऊँगा, ओके. सो मूविंग टुवर्ड द व्हाट आर द प्लेसमेंट प्रोसीड्यूर ऑफ दिस कॉलेज. तो प्लेसमेंट प्रोसीड्यूर इस कॉलेज का बात करें तो दिस कॉलेज है डिफरेंट जनरल प्रोसीड्यूर सच एज दे बेसिकली ट्रेंड स्टूडेंट फॉर मेनी लैंग्वेज सच एज C++, जावा, ऑल्सो दे हैव नेट माइक्रो प्रोसेसर, दिस ऑल टाइप ऑफ राउंड ऑल्सो दे यूज टू कंडक्ट, ओके. प्रोग्रामिंग टेस्ट राउंड, सो दे ऑल्सो मीन्स ट्रेंड स्टूडेंट, स्टूडेंट को भी ट्रेन करते हैं ताकि सो दे फेस नो एनी प्रॉब्लम इन द कैंपस, ओके. कैंपसिंग ऑल्सो दे हैव कोलेबरेशन विद TCS दैट हेल्प इन द प्लेसमेंट, ओके. सो नाउ टॉकिंग, सॉरी दोस्तों थोड़ा साउंड आ रहा है, ओके, बट आई एम कंटिन्यूइंग, ओके. नाउ अबाउट द प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक, व्हाट इज द प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक ऑफ दिस कॉलेज. सो दिस कॉलेज हैव अ गुड प्लेसमेंट, ओके. आई हैव ऑल्सो टॉक सम ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस कॉलेज, दे सेड दैट एंड ऑल्सो आई हैव रिसर्चेज दैट, ओके. ऑन बेसिस ऑफ दैट आई एम सेइंग दैट से अबाउट 82% इन CSE, ओके, प्लेसमेंट इज हैपन एंड IT इज 70-75%, ECE हैव सिमिलरली 60-70%, ओके. बट
बायोटेक्नोलॉजी में अगर आपको लेना तो मैं आई विल सजेस्ट यू दैट डोंट टेक दिस कॉलेज, ओके, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी कोई खास स्कोप नहीं है, दे जस्ट है 45-50%, ओके, एंड डिपेंडिंग ऑन योर एलिजिबिलिटी यू कैन ऑल्सो गेट कॉलेज। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि खराब है, बट आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ओके। इन बायोटेक्नोलॉजी का और अच्छा प्लेसमेंट हो सकता था, बट आई डोंट नो क्यों इस कॉलेज में कोई खास प्लेसमेंट नहीं है, ओके। सो दीज आर ऑल अबाउट द प्लेसमेंट सिनेरियो ऑफ दिस कॉलेज, ओके। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द सम ऑफ द कल्चरल एक्टिविटी दैट टेक प्लेस इन द बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कौन कौन सा कल्चरल एक्टिविटी होता है? तो बेसिकली एक साल में लगभग टेक क्लब होता है, उसमें कोडिंग क्लब, अलग अलग क्लब इसमें है, ओके। सो यू कैन पास पार्टिसिपेट इन दैट क्लब ऑल्सो। ऑल्सो देर इज अ रेगुलर टेक फेस्ट, कल्चरल फेस्ट, आपको मैं थोड़ा विजुअल भी दिखा देता हूँ, ओके। ऑल्सो जब आप कॉलेज में नया नया जाइएगा तो फ्रेशर पार्टी भी हो सकता है, ओके। सो यू विल बी इन्जॉय द कॉलेज लाइफ, ओके, टू यू कैन सी हैव अ ग्लिम्स ऑफ दिस टेक फेस्ट, ओके, सॉरी कल्चरल फेस्ट, ओके। सो कल्चरल फेस्ट होते रहता, बट कोरोना के टाइम से लगभग हर एक कॉलेज में टेक फेस्ट या कल्चरल फेस्ट ये अटक गया, ओके। मेरे भी कॉलेज में भी नहीं हो रहा है ये, ओके। स्पोर्ट्स फैसिलिटी नॉट हैव अ गुड मीन्स स्पोर्ट स्कोप बिकॉज इट हैव सिंस अ स्मॉल कैंपस, ओके, सो नॉट मच स्कोप, बट या दे हैव अ कोलेबरेशन विद अदर इंस्टीट्यूट, ओके, दे मे ऑर्गेनाइज, ओके। नाउ मूविंग टू आवर द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज द एडमिशन प्रोसीड्यूर। तो एडमिशन प्रोसीड्यूर इज सिमिलर फॉर ऑल द कॉलेज, ओके। जस्ट यू हैव टू हैव अ वैलिड WBJEE रैंक, ओके, यू हैव अ वैलिड WBJEE रैंक। नाउ फॉर WBJEE रैंक, व्हाट इज द कट ऑफ दिस कॉलेज, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज विदाउट कट ऑफ यू कांट इंटर दिस कॉलेज, ओके। सो कट ऑफ की बात करूँ तो मैं राउंड 3 का बता रहा हूँ, ओके। सो BTEC कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अबाउट 51,000 तक भी कट ऑफ जा सकता है। मैं बात करूँ सेकेंड राउंड में, मीन्स मैंने देखा तो कट ऑफ था 36-37, उसके बाद देखा कि एकाएक राउंड 3 में अबाउट 51,000 तक भी चला जा रहा है CSE। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बिकॉज मेनी ऑफ द स्टूडेंट लेफ्ट द कॉलेज आफ्टर गेटिंग, ओके। सो दीज आर ऑल अबाउट द CSE। बायोटेक्नोलॉजी की बात करूँ तो आपको 70,000 तक भी है, तो आपको यू कैन ईजिली गेट, ओके। और मैं सजेस्ट करूँगा बायोटेक्नोलॉजी आप मत लेने कोशिश की, और आप देर आर मेनी अदर गुड ऑप्शन टू, तो यू कैन चूज दैट। IT का बात करूँ तो आपको सिमिलरली 57,000-58,000 है, तो आपको मिल सकता है। सो इफ यू हैव अ लो WBJEE रैंक एंड यू आर सर्चिंग फॉर अ गुड कॉलेज, देन दिस कॉलेज मे बी योर गुड ऑप्शन, ओके। टॉकिंग अबाउट द EC, सो EC हैव अ सिमिलर सिनेरियो दैट इफ यू हैव 64-65,000 रैंक देन यू विल गेट दिस कॉलेज, ओके। सो दीज आर ऑल अबाउट द कट ऑफ। नाउ टॉकिंग टुवर्ड द फी, व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर ऑफ दिस, ओके। सो टिल देन नाउ नॉट अपडेटेड, बट प्रीवियसली मैं आपको पहले साल का बता रहा हूँ कि फ़ी था, जो कि मे बी इस साल भी वही सेम रहेगा। सो 4 ईयर BTEC फीस 3.74 लाख, ओके, जो कि सही हमको लगा, भाई एवरेज कॉलेज है तो यह सही दे रहा है, ओके। सो दीज आर ऑल अबाउट द कॉलेज, आवर इम्पोर्टेंट कॉलेज अंडर WBJEE, दैट इज बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा, ओके, एंड यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, ओके। और फिर भी इफ यू हैव एनी स्टिल एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट चैनल, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, आई विल पर्सनली असिस्ट देयर, ओके। मैं वहाँ पर आपको हर एक जवाब दूंगा, नाउ आई विल ऑल्सो हेल्प यू हाउ टू टेक कॉलेज, ओके, दीज ऑल थिंग आई विल डिस्कस देयर, ओके। इफ यू हैव एनी पर्सनल डाउट देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई इंस्टाग्राम चैनल यू कैन ज्वाइन, और चैनल सॉरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल यू कैन मीन ज्वाइन एंड सिंपली यू कैन आस्क देयर डायरेक्टली, ओके। माय इंस्टाग्राम हैंडल विल बी इन द डॉक्यूमेंट मीन डिस्क्रिप्शन बुक, ओके। सो यू कैन आस्क ऑल योर पर्सनल डाउट। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना था, टिल देन बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।